हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सब्जेक्ट व्हीकल डायनेमिक्स आप लास्ट लेक्चरनी अंदर चैप्टर वन स्टार्ट कर दीधुँ और एना अमुक टॉपिक जोया था। तो आज आप शुरू करवा जाइ रहा छे डायनेमिक एक्सेल लोड। तो आ थीअरी ए एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग परफॉर्मन्स एनालिसिस है एक प्रकारनु। एनी अंदर व्हीकल जयरे मूव थई रह्यु होय तो ये दरमियान एक्सेल ऊपर केटलो लोड लागे छे ए लोडनो कैलक्युलेशन्स आपणे करवानुं छे। ए लोड फोर्स एंड मोमेंट द्वारा आपणने केटली मात्रानी अंदर मळी रह्यो छे ए आपणे जोवानुं छे। तो आपणे जोईए डिटरमाइनिंग द एक्सेल लोडिंग ऑन अ व्हीकल अंडर आर्बिट्री कंडीशन्स इज अ फर्स्ट सीम्पल एप्लिकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। आपणे लास्ट लेक्चरनी अंदर जोयुं हतुं न्यूटननो बीजो नियम F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आर्बिट्री कंडीशन नी अंदर व्हीकल ऊपर एक्सेल लोड लागे छे ए डिटरमाइन करवानो ए न्यूटनना बीजा नियमनी प्रथम एप्लिकेशन छे। तो फर्स्ट स्टेप आपणू एवू थशे कि एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग परफॉर्मन्स बिकॉज द एक्सेल लोड डिटरमाइन द ट्रेक्टिव एफर्ट ऑब्टेनल एट ईच एक्सेल अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ग्रेडेबिलिटी मेक्सिमम स्पीड एंड ड्रॉबार एफर्ट। तो आ शू कहवा माँगे एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग परफॉर्मन्स एनालिसिस एटला माटे करवू पड़े कारण के जे लो एक्सेल उपर लोड लागे ए ट्रेक्टिव एफर्ट ए दरेक एक्सेल उपर लागशे पछी ए शेना उपर इफेक्ट थशे तो एक्सेलरेशन कारण इफेक्ट करशे ग्रेडेबिलिटी स्पीड केटली छे एना ऊपर डिपेंड करे छे एंड ड्रॉबार एफर्ट ने लीधे। तो आपणे कंसिडर करिए कि फिगरनी अंदर आपणने एक व्हीकल बतावामां आव्युं छे एना पर जुदा जुदा फोर्सिस आपणने बतावामां आव्या छे कि टायरनो जे रोड उपर रोड द्वारा टायर उपर जे फोर्सिस लागशे फ्रंट व्हील पर एने डब्ल्यू एफ कहीशुं डब्ल्यू आर आपणने एरोडायनेमिक ड्रेग सीजी पॉइंट उपर आपणने लोड लागे छे हीच पॉइंट उपर जे लागे छे। तो आपणे फिगरમાં બતાવવામાં આવ્યા છે કે જુદા જુદા લોડ। તો આપણે જોઈએ હવે કે કયા કયા પ્રકારના લોડ લાગે છે। તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેઇટ ઓફ વ્હીકલ એક્ટિંગ એટ સીજી। અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છે જે W। તો આપણે જોઈ જોઈએ વ્હીકલનો સીજી પોઈન્ટ છે ત્યાં વ્હીકલનું જે વેઇટ હોય એને આપણે W કહેશું। तो W इज इक्वल टू शू थशे मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। अपन ख्याल है कि मास इज इक्वल टू वेइट पर ग्रेविटी। मास एंड वेइट एक बीजा रिलेटेड है तो वेइट ने ग्रेविटी वडे आपणे डिवाइड करिए तो अपन शू मळे मास मळे। तो W इज इक्वल टू वेइट ऑफ व्हीकल एक्टिंग एट सीजी पर। अब आप अँ जुए कि बे टेन्जेंट काढ़ा है W ना तो W कॉस थीटा W साइन थीटा। आपने ख्याल है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एम बे एक्सिस प्रमाण आप प्रकार टेन्जेंट काढ़ा अँ थी W साइन थीटा एंड W कॉस थीटा। एना पची है W बाय जी इंटू ए एक्स अँ आप डॉट बतायू है तो इनर्शियल फोर्सिस तरीके ओळखशु। एनु बीजू नाम है डी एलेम्बर्ट फोर्सिस। तो W बाय जी एटले मास इंटू एक्सेलरेशन एटले शू थयु एफ थयो। अहीं आपणे एक जोईए एफ इज इक्वल टू एम ए। आवो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अहीं आपणने मळी गयो एम इज इक्वल टू आपणे शू लखी शकीए वेट पर ग्रेविटी। अने आखी जग्याए लखशे एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी परंतु ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तमारू जे एक्सेलरेशन व्हीकल कई डायरेक्शन में मूव थई रह्यु छे तो व्हीकल आ डायरेक्शन अंदर मूव थई रह्यु छे अने एनी ओपोजिट डायरेक्शन अंदर लागे छे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पर विरुद्ध दिशा नी अंदर गति नी विरुद्ध दिशा नी अंदर जे फोर्स लागशे एने इनर्शियल फोर्सिस कहेवाशे। बीजी भाषा बीजा शब्दों में एने कहेवू हशे तो डी एलेम्बर्ट फोर्सिस। अने एफ इज इक्वल टू एम ए परथी आने लखी शकाय आपणे W बाय जी एम इज इक्वल टू W बाय जी इंटू ए एक्स। पची है डब्ल्यू एफ एंड डब्ल्यू आर। तो रोड द्वारा टायर पर नॉर्मल फोर्सिस लागशे एना आपणे कहीशुं
डब्ल्यू एफ एन आर, एफ फ्रंट टायर माटे छे एन आर रियर टायर माटे छे। दरेक जगह ज्यां एफ एफ आवतो हशे अने आर आवतो हशे ए रिस्पेक्टिवली फ्रंट एंड रियर टायर्स माटे छे। एना पछी छे डी ए, डी ए इज इक्वल टू एरोडायनेमिक फोर्सिस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इंडिकेटेड एट एच ए हाइट। હવે આપણે માની લો ડી એ એરોડાયનેમિક ફોર્સ, વ્હીકલ જઈ રહ્યું છે જે દિશામાં એ સામેની દિશાથી પવન અથડાશે, તો પવન કઈ જગ્યાએ અથડાશે, તો જ્યાં બોનેટ આપણું હશે એ પોઈન્ટ ઉપર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે। તો એ જગ્યાએ આપણે ડી એ તરીકે એને એરોડાયનેમિક ફોર્સ એક ગણીશું, અને કઈ કેટલી હાઇટ, તો ગ્રાઉન્ડ લેવલથી એચ એ હાઇટ, આ ડી એ ફોર્સ છે એ ગ્રાઉન્ડ લેવલથી એચ એ હાઇટ સુધીનું આપણે ગણીશું। એના પછી છે એફ એક્સ એફ એન્ડ એફ એક્સ આર, આ એફ એક્સ આર છે, એફ એક્સ એફ એન્ડ એફ એક્સ આર, તો એ કયું ટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ કહેવાય, તો વ્હીકલ જે ડાયરેક્શનની અંદર મૂવ થઈ રહ્યું છે, ટાયર જે રોટેટ થશે એ ડાયરેક્શનની અંદર ફોર્સિસ લાગશે, એના શું કહેવાય, તો વ્હીકલને પુલિંગ પુલ કરવા માટેનો ફોર્સ હોય એ પણ કહી શકાય। તો એફ એક્સ એન્ડ એફ એક્સ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રેક્ટિવ ફોર્સિસ, અહીંયા એફ એક્સ આર છે। પછી છે આર એક્સ એફ એન્ડ આર એક્સ આર, એ રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ છે, કે વ્હીક તમારું જે ટાયર મૂવ થતું હશે એની વિરુદ્ધ ડાયરેક્શનની અંદર, અહીંયા આપણને બતાવેલા છે બંને સાઈડ અહીંયા બરાબર, એ રોલિંગ, તો એ રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ એક પ્રકારનો અવરોધ ઊભો કરશે વ્હીકલના ટાયરનો મૂવ થવા, એને આપણે આર એક્સ આર એન્ડ આર એક્સ એફ કહીશું। પછી છે આર એચ ઝેડ એન્ડ આર એચ એક્સ, તો એ આપણને ફિગરની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે આર એચ એક્સ એન્ડ આર એચ ઝેડ બરાબર, તો આ બે પ્રકારના હોય। હવે તમે માની લો કે એક વર્ટિકલ લાગે છે અને એક લોન્ગિટ્યુડનલ લાગે છે, તો આ ફોર્સ શેના માટે છે, કે જ્યારે વ્હીકલની પાછળ કોઈ પ્રકારનું ટ્રેલર એટેચ કર્યું હોય તો એ પોઈન્ટને આપણે હિચ પોઈન્ટ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ, એ હિચ પોઈન્ટના માટે જે ફોર્સિસ લાગે વર્ટિકલી એન્ડ લોન્ગિટ્યુડનલી, તો એને આર એચ ઝેડ એન્ડ આર એચ એક્સ કહેશું। હવે આ શું કહે છે, કે વ્હીકલ બે એલ ડિસ્ટન્સ બે વ્હીલ વચ્ચેનું અંતર, પછી અહીંયા આપણે વચ્ચે સીજી પોઈન્ટ લીધો, તો સીજી પોઈન્ટ ફ્રન્ટ ટાયરથી સીજી પોઈન્ટનું અંતર છે સ્મોલ બી, અને રિયર ટાયરથી સીજી પોઈન્ટનું અંતર છે સ્મોલ સી બરાબર। દરેક પ્રકારના ડિસ્ટન્સ આપણને ફિગરની અંદર બતાવવામાં આવ્યા છે। હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થાય, તો આપણે જોઈએ છે કે લોડ કેરીડ ઓન ઈચ એક્સલ વિલ કન્ઝિસ્ટ સ્ટેટિક કોમ્પોનન્ટ્સ પ્લસ લોડ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ ફ્રન્ટ ટુ રિયર, સ્ટેટિક કોમ્પોનન્ટનો એક્સલ ઉપર લાગતો લોડ અને ફ્રન્ટ ટાયર ટુ ફ્રન્ટ ટુ રિયર આગળથી પાછળના ભાગે જે લોડ ટ્રાન્સફર થાય છે એ શા માટે, તો ડ્યુ ટુ ધ અધર ફોર્સિસ એક્ટિંગ ઓન ધ વ્હીકલ, તો ધ લોડ ઓન ફ્રન્ટ એક્સલ કેન બી ફાઉન્ડ બાય સમિંગ ટોર્ક્સ અબાઉટ એટ પોઈન્ટ એ અંડર ધ રિયર ટાયર। હવે એ પોઈન્ટ આપણે જોઈએ, ખાસ એ પોઈન્ટ આપણે અહીંયા બતાવ્યો છે અને બી પોઈન્ટ અહીંયા બતાવ્યો છે અહીંયા બરાબર, તો એ અને બી આપણે કઈ જગ્યાએ ફાઇન કરવાનું છે, તો એ પોઈન્ટ ઉપર આપણે ફાઇન કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો ફ્રન્ટ એક્સલ પર એની સાપેક્ષે કેટલો લોડ લાગશે એ ચેક કરવાનો છે। તો એસએ ઇક્વેશન, સોસાયટી ઓફ ઓટોમોટિવ એન્જિનિયર્સ કન્વેન્શન ઇક્વેશન પ્રમાણે આપણે ક્લોકવાઇઝ ટોર્ક લઈશું, તો ટોર્કના પ્રમાણે ટોર્ક અબાઉટ એ ઇઝ પોઝિટિવ, તો આપણે ઇક્વેશન લઈએ, તો ડબલ્યુ એફ અહીંયાના સાપેક્ષે લેવાનું છે એ પોઈન્ટ માટે, તો ડબલ્યુ એફ આ ઇન ટુ એલ, તો ડબલ્યુ એફથી વર્ટિકલ છે। હવે ખાસ વાત એ યાદ રાખજો, જો કોઈ પણ જગ્યાએ વર્ટિકલ ફોર્સિસ લાગતો હોય તો એના માટે હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ લેવાનું, હોરિઝોન્ટલ ફોર્સિસ લાગતો હોય તો વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ લેવામાં આવશે। અહીંયા કેવો ફોર્સ લાગે છે, તો ડબલ્યુ એફ વર્ટિકલ ફોર્સ, તો ડિસ્ટન્સ કયું આવશે હોરિઝોન્ટલ, મીન્સ આડું ડિસ્ટન્સ, કયા પોઈન્ટ માટે વાત કરીએ છીએ એ પોઈન્ટ માટે, ડબલ્યુ એફ ઇન્ટુ એલ। બીજું અપવર્ડ મોશન ડાયરેક્શનની અંદર લાગે છે એટલે આપણે પ્લસ લઈશું, પ્લસ ડી એ ઇન્ટુ એચ એ, હવે જુઓ ડી એરોડાયનેમિક્સ ફોર્સિસ અને એને આડું લાગે છે બરાબર હોરિઝોન્ટલ, તો ડિસ્ટન્સ કેવી લઈશું વર્ટિકલ કેટલું છે એચ એ, પ્લસ
अब जो डबल्यू बाय जी इंटू ए एक्स इंटू एच आप आग बात करी थी हमें डबल्यू बाय जी इंटू ए एक्स ए शू है इनर्शियल फोर्सिज फोर्स एल डी एल एम बट फोर्सिज एफ इज इक्वल टू एम ए मट बराबर तो डबल्यू बाय जी इंटू ए एक्स बराबर डबल्यू बाय जी इंटू ए एक्स एच से क्यों डिस्टन्स लीधु तो ऊभु डिस्टन्स अपने आडो फोर्स लगे तो आ ऊभु डिस्टन्स जो एच बतायू है अपन सीजी पॉइंट सुधीनों ए लेवा प्लस आर एच एक्स कई केव लगे पहला चेक करवा ऊँ से काड़ू तो आडू होरिजोनटल फोर्सिज है एना आप लैसु वर्टिकल डिस्टन्स एच एच प्लस आर एच जेड केव लगे तो कई डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन अंदर केव वर्टिकल है तो क्यों डिस्टन्स लैसु होरिजोनटल डिस्टन्स तो फ्रॉम पॉइंट ए सुधी के डिस्टन्स है डी एच तो आर एच जेड इंटू डी एच प्लस डबल्यू एच साइन थीटा वा क्या थी आयु तो डबल्यू साइन थीटा अपने डबल्यू ने बे पॉइंट टेन्जेंट काढ़ा था तो आड़ो टेन्जेंट था जो होरिजोनटल एने डबल्यू साइन थीटा और डिस्टन्स एच लीधु आड़ू फोर्स होरिजोनटल लाइन अंदर एट ऊँ डिस्टन्स आप लैसु एना पीछे माइनस डबल्यू सी कोस थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन अंदर से माइनस केम आयु आप पीछे जुए तो डबल्यू कोस थीटा अपन ने ख्याल आ डबल्यू कोस थीटा एंड सी शा तो ए पॉइंट पर आप फाइंड करवा तो ए पॉइंट थी सी जी पॉइंट जे पॉइंट आप लखीए थे त्या सुधीन अंतर के तो सी तो एट आप एक इक्वेशन बनी इज इक्वल टू जीरो अब अपन शा साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव लीधो तो अपहिल एटीट्यूड पर जा रहा है बराबर तो साइन होरिजोनटल है एट्ला पॉजिटिव टर्म लीधो जयर डाउन हिल मटे कोस थीटा एट कोसाइन टर्म नेगेटिव रहे तो अब आप फ्रॉम इक्वेशन वन एने सीम्प्लिफाइड करवू है बराबर एक्सल लोड फाइंड करवा तो एक्सल लोड क्यों है डबल्यू एफ तो डबल्यू एफ ने फाइंड आप करवा शू बनावशु आप सूत्र करता बनाव डबल्यू एफ इंटू एल इज इक्वल टू आ बधीज वस्तु इक्वल टू नी पेली साइड लीजिए तो जे प्लस हे ये माइनस थी जैसे और माइनस हे ये प्लस हे तो डबल्यू एफ इंटू एल इज इक्वल टू जो डबल्यू सी कोस थीटा माइनस डी ए इंटू एच ए माइनस डबल्यू बाय जी इंटू एक्स इंटू एच माइनस आर एच एक्स इंटू एच एच माइनस आर एच जेड इंटू डी एच माइनस डबल्यू एच साइन थीटा हम आप फाइंड आउट शू करवा डबल्यू एफ एक्सएल लोड ऑन फ्रंट तो डबल्यू एफ ने करता बनाव आ बदा भाग्या एल भागाकार अंदर जत रह आज इक्वेशन आप बन स फाइनल इक्वेशन थे फ्रंट एक्सएल पर लगता तो लोड बराबर खास वस्तु याद रखनी आप क्या पॉइंट पर शोधवा जाइ रहा है तो ए पॉइंट पर ए पॉइंट थी जे आप जटला लोड लगता हो जटला फोर्सिस लगता हो तो ए पॉइंट साथ एनु अंतर के जो वर्टिकल फोर्सिस लगते हो तो होरिजोनटल अंतर लेवन जम आप ते फर्स्ट एमओएस अंदर भाई गया मिकेनिक्स ऑफ सॉलिड अंदर बराबर वर्टिकल फोर्स लगता हो तो होरिजोनटल डिस्टन्स लेरिजोनटल फोर्सिस लगता हो तो वर्टिकल डिस्टन्स लेशू बराबर हम आप जुए आज वस्तु डबल्यू आर मैं आप फाइंड आउट करनी है जम फ्रंट मैं लई लीधो एम डबल्यू आर रियर मैट तो एना से क्या पॉइंट रिस्पेक्ट लेशु बी पॉइंट आप डबल्यू फ्रंट मैं जो तू तो रेफरन्स तरीके ए पॉइंट लीधो तो हमें रियर डबल्यू आर मैं जुए तो रेफरन्स तरीके अपने बी पॉइंट लीशू तो एना आ रीत इक्वेशन थे डबल्यू आर इंटू एल आवो डबल्यू आर कई रीते लगे नीचे डायरेक्शन लगे बराबर इंटू एल हम आप एक वस्तु खास जुव आ डायरेक्शन डायरेक्ट लख्य आम केव लख्य तू आ इक्वेशन आप जो खास ते इक्वेशन जुओ हाँ आ इक्वेशन की जेम आप पाचल लख्य डायरेक्ट आ इक्वेशन की जेम डिराइव करी नहीं आप जी लीए कि रीतना जो है तो इक्वेशन के रीते आए अब जुओ आप इक्वेशन तारव डबल्यू आर इंटू एल डी ए इंटू एच ए
आई लगे डी ए इंटू आडू लगे एट डिस्टन्स ऊभू थे प्लस डबल्यू बाय जी इंटू एक्स इनर्शियल फोर्सिस लगे के डिस्टन्स है तो अँ एच डिस्टन्स लगते एना पी आर एच एक्स इंटू एच एच आडू फोर्सिस होरिजोनटल फोर्स लगे वर्टिकल डिस्टन्स एना पी आर एच जेड बराबर आर एच जेड अँ जो ये केव लगे वर्टिकल तो आप होरिजोनटल डिस्टन्स लेव पड़ से। हम आप क्या पॉइंट मैं शोधी तो बी पॉइंट सापेक्षे शोधी आप बी पॉइंट सापेक्षे शोधवा तो बी थी आर एच जेड नु डिस्टन्स के तो जो तो अँ एल आटलू डिस्टन्स है एल एल वत्ता डीएच तो डीएच वत्ता एल कौंस पूरो प्लस डबल्यू एच इंटू साइन थीटा। अब डबल्यू साइन थीटा तो आप जो बराबर एन डिस्टन्स के एच एवज रीते डबल्यू बी कॉस थीटा डिस्टन्स बी केम लीधु तो डबल्यू कॉस थीटा वर्टिकल है फोर्सिस बी पॉइंट मैं शोधवा है तो वर्टिकल फोर्सिस केव डिस्टन्स आशे हॉरिजोनटल डिस्टन्स तो हॉरिजोनटल डिस्टन्स केव बी। हम तो आप इक्वेशन मैं सूत्र फाइंड करवा डबल्यू आर तो सूत्र करता बना डबल्यू आर इंटू एल हव एल ने आ बदा वे भागशू तो अपन जो इक्वेशन मड़ी जैसे ए बी पॉइंट सापेक्षे रियर एक्सल पर जे लोड लगे शू कहे फ्रॉम अ सीमिलर इक्वेशन अबाउट पॉइंट बी वी कैन सॉल्व फॉर डबल्यू आर। आ क्वेश्चन आ थीअरी डायनेमिक एक्सल लोड एक्जाम माटे बहुज इम्पोर्टंट है घनी बड़ी वक्त प्रश्न परीक्षा की अंदर पूछाई गयो खास एटलू याद रखू डबल्यू एफ एंड डबल्यू आर फाइंड आउट करवा डबल्यू एफ फाइंड आउट करीशू तो ए पॉइंट सापेक्षे थे जयरे डबल्यू आर फाइंड आउट करीशू बी पॉइंट सापेक्षे थे तो आ इक्वेशन अपनी जे बे फाइंड आउट कर्या एना माटे जुदी जुदी कंडीशन है तो मानी लो कि आ इक्वेशन अपना नॉर्मल इक्वेशन थी गया कि रेग्युलर में आ रीतना आप जोता हो तो थे परंतु कोई कंडीशन स्पेसिफिक है तमने एवं कीधु स्टेटिक लोड्स ऑन लेवल ग्राउंड आप क्यूँ हिल ग्राउंड पर ढाड़ पर बात करता थी परंतु जो स्टेटिक लोड्स होने लेवल ग्राउंड जमीन जमीन लेवल बात हो तो आ इक्वेशन्स केव बने तो आप आ इक्वेशन्स आग जो कि एफ मैट आ बराबर एंड डबल्यू आर मैट तो स्टेटिक लोड मैट शूँ थे कोई खूणो बन सी केम के अँ आप ढार पर चढ़ी रहा है एट थीटा एंगल बनत हो तो साइन इज जीरो एंड कोसाइन इज वन केम वन तो साइन 90 खूणो 90 बन स एट साइन 90 जीरो एंड कोस जीरो वन एंड वेरिएबल जो आप आर एक्स एफ अँ एफ आयो एट फ्रंट की बात करें आर एक्स आर रोलिंग रेजिस्टन्स मतलब तुम ढार पर चढ़ी रहा हो त्यारे रोलिंग रेजिस्टन्स ने इन्क्लूड करवो पड़े जयरे स्टेटिक लेवल ग्राउंड पर जा रहा हो त्यारे रोलिंग रेजिस्टन्स नेग्लेक्ट हो मतलब जीरो नी कम्पेरिजन में जो है एना पछी छे डी ए एरोडायनेमिक फोर्सिस पण आपणे जीरो गणी लीधो छे एंड ए एक्स ए एक्स एट एक्सिलरेशन पण आपणे जीरो। हवे एक्सिलरेशन जीरो थाय आ सूत्रनी अंदर तमे जुओ बराबर तो जोई लो डी ए जीरो एटले आ पद निकली गयुं आ पद डीए जीरो एट्ले आ पद निकली जैसे जीरो थी जाए एक्स एक्सिलेशन जीरो आ पद पर निकली जैसे एना पीछे शू कीधु आर एच एक्स सॉरी बराबर साइन थीटा वन थी जैसे तो एना पर अपन इक्वेशन मल से कॉस जीरो वन बराबर तो अपन के इक्वेशन मल से अँ तो शू बच्चे डबल्यू सी आवश्ये आपणे जे इक्वेशन जोयु डबल्यू सी बाय एल हवे अहींया जुओ आ इक्वेशन माटे डबल्यू सी आ वच्चे कारण के कॉस अहींया जीरो थई जशे अहींया कॉस जीरो वन
तो डबल्यू सी एकलू बचे, बाकी बधी ज वस्तु जीरो थी जैसे। अब आ बे वस्तु आप जो आ कई रीते जीरो थू ये तो आप जुं नहीं। अब आप लेवल ग्राउंड पर बात करें एट्ला त्या हिच पॉइंट नहीं, पाचड़ कोईपण प्रकार ट्रेलर एटैच करू नहीं, एट्ला आर एच एक्स एंड आर एच जेड जीरो जीरो थी जैसे। आ चार टर्म जीरो थे एट इक्वेशन की अंदर शू बच्चे खाली डबल्यू सी कोस जीरो, कोस जीरो एट वन थे तो शू बच्चे डबल्यू सी बाबज एल तो एल ने भागाकार में लाशु तो शू बच्चे डबल्यू सी बाय एल आटली वस्तु बच्चे। तो एना पर आप जुए कि डबल्यू आर एस फाइंड करिए कि स्टेटिक लोड लेवल ग्राउंड पर हो त्यारे रिवर्स पाचड़ना रियर टायर पर रियर एक्सेल पर केटलो लोड लागशे तो जोईए आपणे ये इक्वेशन। आ इक्वेशन में जोवानुं छे आपणे कया कया फेक्टर जीरो थता था। आर एक्स एफ आर एक्स आर रोलिंग रेजिस्टन्स जीरो थई जतो हतो। एना पछी कहे छे कि डी ए एंड ए एक्स तो आ पद निकली जशे, आ पद निकली जशे, जीरो थई जशे। साइन इज जीरो, आ पद निकली जशे। अब कया रे आ बे वस्तु, पण आ बे वस्तु आपणे हिच पॉइंटनो तो अहीं उपयोग कर्यो नथी, मतलब पाछळ कोई ट्रेलर एटेच कर्यू नथी। आ बंने पद पण निकली जशे, वध्युं शुं इक्वेशन में डबल्यू आर एल इज इक्वल टू डबल्यू बी कोस थीटा। हवे आपणे शोधवानुं छे शुं स्टेटिक लोड माटे। अहीं आपणने ख्याल आवे कि एस केम मूक्यो तो डबल्यू एफ एटले आपणने खबर हती कि एक्सल लोड ऑन फ्रंट एंड एक्सल लोड ऑन रियल, पण एस एटला माटे मूक्यो कि डिफरंट कंडीशन आपणे यूज करी छे स्टेटिक लोड्स। तो डबल्यू आर एस इज इक्वल टू डबल्यू बी आटली वस्तु वधे छे आपणी जोड़े तो डबल्यू बी कोस जीरो, कोस जीरो एटले वन, डबल्यू बी बाय एल तो आ इक्वेशन थशे। एक्जामनी अंदर घणी वक्त एवो पण प्रश्न पूछाई गए छे कि फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ डायनेमिक एक्सल लोड ऑन फ्रंट एंड रियर एंड यूज एनी वन कंडीशन अथवा स्पेसिफिक कंडीशन पूछे तमने कि स्टेटिक लोड माटे काउंट करो। तो आ आपणे इक्वेशन डिराइव करवू पड़े। एना पछी बीजी एक कंडीशन छे लो स्पीड एक्सेलेशन, कि धीमी स्पीडे एक्सेलेशन होय ए दरमियान लेवल ग्राउंड पर, ऑन लेवल ग्राउंड पर डबल्यू एफ केटलो थाय एंड डबल्यू आर केटलो थाय ए आपणे चेक करवानो छे। हवे मानी लो कि लो स्पीड छे तो एना एरोडायनेमिक्स फोर्सिस जीरो होय छे। बीजू कि ए वखते कोई ट्रेलर आपणे एड करवानुं नथी એટલે એને હિચ પોઈન્ટ નથી, એટલા માટે આર એચ ઝેડ એન્ડ આર એચ એક્સ પણ ઝીરો થશે। આપણે આ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરી દીધું પહેલાં, તો એની અંદર આપણે જોઈશું ડી એ ઝીરો થઈ ગયું, હિચ પોઈન્ટ કાઢી નાખીશું, શું વધશે તો ડબલ્યુ સી કોસ થીટા આ પદ વધશે। બીજું આ પદ માટે આપણે વાત કરીએ છીએ કે સાઇન થીટા સાઇન નાઇન્ટી થશે અને કોસ ઝીરો થશે, આ પદ જીરો થઈ જશે બરાબર। હવે જોઈએ આપણે કેટલી વસ્તુ વધી, આ બે પદ અહીંયા આપણે વધે છે તો ડબલ્યુ એફ ભાગાકારમાં એલ છે તો ડબલ્યુ ને કોમન કાઢી લઈએ, અહીંયા કોમન નીકળશે ને અહીંયા કોમન નીકળશે તો સી બાય એલ કોસ ઝીરો વન થશે, તો સી બાય એલ માઇનસ અહીંયા શું વધ્યું તો એ એક્સ ભાગાકારની અંદર જી છે અને આ એલ તો રહેવાનું તો એ એક્સ ઇન્ટુ એચ ભાગ્યા જી ઇન્ટુ એલ। હવે આપણે આ જોયું કે આ વસ્તુ શું હતી ડબલ્યુ ઇન્ટુ સી બાય એલ, આ એલ છે ડબલ્યુ ઇન્ટુ સી બાય એલ, તો સ્ટેટિક કન્ડિશનની અંદર હતો ફ્રન્ટ ટાયર ઉપર લાગતો લોડ જોઈ લો અહીંયા, અહીંયા છે ડબલ્યુ સી ઇન્ટુ અહીંયા જો ડબલ્યુ એફ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ સી અપોન એલ, એ રીતના ડબલ્યુ બી અપોન એલ। હવે એક વસ્તુ યાદ રાખજો, તમને એક ટ્રીક આપું, સ્ટેટિક લોડ માટે તમને ફ્રન્ટ ટાયર પૂછે તો સી યાદ રાખવા, સી બી, સી બી ફ્રન્ટ માટે સી, રિયર માટે બી, બાકી ડબલ્યુ બાય એલ, ડબલ્યુ સી બાય એલ, ડબલ્યુ બી બાય એલ। તો આપણે અહીંયા જોઈએ કે લો સ્પીડ એક્સેલરેશનમાં આપણે જોતા હતા તો અહીંયા ડબલ્યુ એફ એસ લખીશું અને આર ડબલ્યુની પાછું અંદર ગુણાકારમાં લઈ લેશું એટલે ફાઇનલ આપણું ઇક્વેશન બનશે। તો હવે શું કહેવા માગે છે આના ઉપરથી, લો સ્પીડ એક્સિલરેશન માટે ફ્રન્ટ એક્સેલ ઉપર જે લોડ લાગશે
એ સ્ટેટિક લોડિંગમાંથી બાદ થશે, તો ડબલ્યુ એ એક્સ ઇન્ટુ એચ બાય જી ઇન્ટુ એલ. સેમ વસ્તુ રિયર માટે આપણે જે ઇક્વેશન તાર ડિરાઈવ કર્યું હતું એની અંદર આપણે જોઈએ તો એરોડાયનેમિક ફોર્સિસ લાગશે ને, એટલે એ પદ ઝીરો થઈ જશે. હીચ પોઈન્ટ આપણે અહીંયા છે ને, ટ્રેલર એટેચ કરી નથી એટલે એ પદ ઝીરો. અહીંયા સાઇન એંગલ કેટલો થશે? સાઇન 90, સાઇન 90 એટલે ઝીરો. સોરી, સાઇન 91 થશે, પણ સાઇન ઈ એટલે સાઇન થીટા આખું ઝીરો થશે. અહીંયા આપણે મેં વાત કરી, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, સાઇન 90 નહીં, સાઇન ઝીરો, બંને એંગલ ઝીરો થશે, સાઇન ઝીરો બરાબર. અહીંયા સાઇન ઈ આખો, સાઇન ઈ ઝીરો થશે, જેમ કોસ ઈ કોસાઇન 1 થશે એમ સાઇન ઈ ઝીરો થશે, એટલા માટે એ પદ આખું નીકળી જશે. જો અહીંયા આપણે જોયું, અહીંયા જોઈ લો, આ પદ નીકળી જશે, હિચ પોઈન્ટ નથી ટ્રેલર એટલે આ પદ નીકળી જશે, અને એરોડાયનેમિક ફોર્સિસ લાગશે ને એટલે આ પદ. હવે વધ્યા કેટલા? આ બે પદ, તો કોસ 0 1, તો ડબલ્યુ ઇન્ટુ બી બાય એલ, ભાગાકારમાં એલ છે, પ્લસ ડબલ્યુને આપણે કોમન લઈ લીધો, અહીંયા પણ એ રીતના જ વચ્ચે એ એક્સ ઇન્ટુ એચ અપોન જી ઇન્ટુ એલ. હવે અહીંયા શું થાય છે, આ ઇક્વેશન આપણે ઉપરની જેમ જ તારવશું, પરંતુ એક વસ્તુ ખાસ જોઈએ કે અહીંયા માઇનસ આવે છે સાઇન અને અહીંયા પ્લસ. તો આ એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે લો સ્પીડ એક્સિલરેશન માટે ફ્રન્ટ સ્ટેટિક લોડમાંથી બાદ થશે, જ્યારે રિયર સ્ટેટિક લોડમાં ઉમેરો થશે. એ હિંટ તમને મળી જશે કે લો સ્પીડ એક્સિલરેશન માટે ઇક્વેશન આવશે ફ્રન્ટ માટે માઇનસ, પહેલાં માટે પ્લસ, જ્યારે સ્ટેટિકમાં હું શું યાદ રાખવાનું હતું, સી બી, ડબલ્યુ સી બાય એલ, ડબલ્યુ બી બાય એલ. હવે આપણે આગળની લાસ્ટ કન્ડિશન જોવા જઈ રહ્યા છીએ, લોડ્સ ઓન ગ્રેડ. તો ગ્રેડ પર જે લોડ લાગે એ કેવી કન્ડિશનની બંધો? તો આપણે ધારો ગ્રેડને ડિફાઇન કરવો, શું કહી શકાય? ગ્રેડ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ રાઇઝ ઓવર રન. હવે જે દરમિયાન ગ્રેડ ઉપરથી વ્હીકલ પસાર થઈ રહ્યું છે, તો ત્યારે એક્સેલ ઉપર કેટલો લોડ લાગશે એ ફાઇન્ડ આઉટ આપણે કરવાનો છે. આપણી જોડે આ કન્ડિશન ઇક્વેશન હતું ફાઇનલ, ડબલ્યુ સી ફ્રન્ટની અંદર ખાલી ડબલ્યુ સી વાળું પદ પ્લસ આવશે, બાકી બધા માઇનસ, રિયરની અંદર એક પણ માઇનસ નહીં આવે. એ પણ યાદ રાખવા જેવી વસ્તુ છે કે તમને એક શોર્ટકટ હોવી જોઈએ એક્ઝામની અંદર, તમે થિયરી સાબિત કરવા બેઠા છો અને ભૂલી જાઓ છો, તો એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે રિયર સ્ટેટિક લોડની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ માઇનસ નિશાની આવશે નહીં, જ્યારે ફ્રન્ટની અંદર બધી જ માઇનસ આવશે, ખાલી ડબલ્યુ સી કોસ થીટાને છોડી. હવે આપણને શું કહે છે કે ગ્રેડ ઉપર જઈ રહ્યા છો, તો ગ્રેડ ઉપર જે એંગલ બનશે તો આપણે એને આખા સાઇન થીટાના અને કોસ થીટાને શું લઈશું, ઓનલી ફોર થીટા. અહીંયા જે આપણને બતાવ્યું, આ જે બે આપણને થીટા તરીકે આપણે લીધા, એને મેઇન સાઇન થીટાની જગ્યાએ થીટા અને કોસ થીટાની જગ્યાએ પણ થીટા તરીકે આપણે લેશું. તો આપણે ઇક્વેશન બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, તો શું થશે, એરોડાયનેમિક ફોર્સ નેગ્લિજિબલ, એ એક્સ એક્સિલરેશન પણ નેગ્લિજિબલ, હિચ પોઈન્ટ તો છે જ નહીં, તો આ બે વસ્તુ આપણી જોડે બધી. હવે આપણે જો જોયું છે કે રેશિયો ઇઝ ધ ટેન્જન્ટ ઓફ ધ ગ્રેડ એંગલ થીટા, તો કોસ થીટા કોસ 0 1, તો ડબલ્યુ સી, ડબલ્યુનું કોમન કાઢીએ છીએ આપણે, આ બે પદ વધ્યા, એક આ બે નંબર અને એક આ એક નંબર, એક અને બે પદમાંથી ડબલ્યુનું કોમન કાઢીએ, શું બધા કોસ 0 1, સી બાય એલ, અહીંયા માઇનસ ટુ માઇનસ, એચ અપોન એલ છે, અને સાઇન થીટાની જગ્યાએ થીટા લઈશું. તો આ પણ ઇક્વેશન એના પરથી બનશે, ડબલ્યુ સી બાય એલ તો ફ્રન્ટ સ્ટેટિક લોડ છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ કે ડબલ્યુ આર માટે લખવી છે, તો અહીંયા પ્લસ આવશે, અહીંયા પણ જુઓ આ પદ નીકળી જશે, ડી નેગ્લિજિબલ, એ એક્સ 0, હિચ પોઈન્ટ નથી એટલે આ બે પદ નીકળી જશે બરાબર. તો વચ્ચે કહ્યું ડબલ્યુ બી કોસ થીટા પ્લસ ડબલ્યુ એચ સાઇન થીટા. હવે અહીંયા જુઓ તમે ડબલ્યુ આર એટલે રિયર સ્ટેટ એક્સેલ લોડ,
तो आ बे पद वध्या कॉस जीरो जीरो डबल्यू बी बाय एल, तो डबल्यू ने कॉमन काढ़ी तो बी बाय एल प्लस अहीं एच है तो एच बाय एल इंटू साइन थीटा जगह आप शूँ लखीए थीटा ग्रेड एंगल थीटा। तो फाइनल इक्वेशन की अंदर डबल्यू आर इज इक्वल टू अहीं जुओ डबल्यू आर इज इक्वल टू डबल्यू आर एस प्लस डबल्यू इंटू एच बाय एल थीटा बराबर। आप आ खास वस्तु आ बे इक्वेशन जोवाना छे। बीजी वस्तु तमे जे जोईए के जे आगळनी थियरी में हती लो स्पीड एक्सेलरेशन में पण माइनस साइन आवती थी, तमने खबर छे के फ्रंट एक्सल लोड माटे माइनस आवशे एटले वच्चे माइनस याद रही गयू, अने रियर एक्सल माटे क्यांय माइनस आवतुं नथी प्लस एटले प्लस रियर स्टेटिक लोड में उमेरो थशे। तो आज आपणे त्रणे त्रण कंडीशन की अंदर जे थियरी जोई कई डायनेमिक एक्सेल लोड आपणे फाइंड आउट करीशुं। पहेला शुं करीशुं, पहेला आ एक्जाम की अंदर आ थियरी पूछाय तो फिगर ड्रॉ करवानी, कया कया फोर्सिस लागे छे ए लखवाना, एने कम्प्लीट बतावानुं के आ डबल्यू लाग्युं ए शुं कहेवाय, रोलिंग रेजिस्टन्स ट्रेक्टिव फोर्स आ बधी ज वस्तु इंडिकेट करवानी। एना पछी तमारे एसए कन्वेंशन प्रमाणे क्लॉकवाइज टॉर्क जे लागतो होय अबाउट ए पॉइंट ऊपर लेवानो, पछी बी पॉइंट ऊपर लेवानो, ए पॉइंट ऊपर लेशो आ पॉइंट ऊपर लेशो तमे ए पॉइंट ऊपर एटला माटे डबल्यू एफ नो मळशे लोड, अने बी पॉइंट ऊपर लेशो एटले डबल्यू आर नी सापेक्षे मळशे डबल्यू आर नू कैलक्युलेशन मळशे। एना पछी त्रण प्रकारनी कंडीशन छे, एक स्टेटिक कंडीशन, एक स्टेटिक कंडीशन, एना पछी छे बीजी लो स्पीड एक्सेलरेशन, अने एना पछी त्रीजू छे लोड्स ऑन ग्रेड। तो आपणे आ जे थियरी जोईए बहु ज इम्पोर्टंट छे एक्जाम माटे। आ वीडियो जोई तमे बे त्रण वखत नोटबुकनी अंदर प्रेक्टिस करो, इक्वेशन्स कई रीते आवे छे ए चेक करो अने तैयार करो। आ एक्जाम माटे खूब ज जरूरी थियरी हती। હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બીજા ટોપિક જોઈશું। થેન્ક યુ।